इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या होती है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइए समझते हैं एनर्जी की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी होती हैं। लेकिन हमें कई बार कन्फ्यूजन होता है, हम क्या बोलते हैं एनर्जी, वर्क और हीट एक ही चीज होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑलवेज रिमेम्बर, एनर्जी केवल अगर बात करते हैं, वर्क और हीट दोनों ही एनर्जी को ट्रांसफर करने के तरीके होते हैं। और यहाँ पर जो लिखी हैं इतने टाइप्स की है, और भी बहुत सारे टाइप्स की हो सकती हैं एनर्जीज होती हैं। तो आपको याद रखना है कि पहली बात, एनर्जी का मास नहीं होता। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ऐसा मान लेते हैं कहीं पर टक्कर होती है, एक्सीडेंट होता है। जैसे मान लेते हैं ट्रक में और बाइक में एक्सीडेंट हो गया, तो जो ट्रक मोशन कर रहा था उसकी जो बॉडी थी मास था बहुत ज्यादा था, इसलिए उसके पास में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी। जैसे ही दोनों में कोलिजन होता है तब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, मास नहीं जाता। तब आपको याद रखना कि एनर्जी मास नहीं होती, बेसिकली एनर्जी क्या होती है, काम करने की कैपेसिटी को हम कह सकते हैं। लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर, एनर्जी का मास नहीं होता, ये पहली बात है, पहली प्रॉपर्टी, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। दूसरी खास बात यह है एनर्जी की, जैसे मान लो यहाँ पर कोई बॉल रखी हुई है, उसको यहाँ से यहाँ तक भेजना है, हमको फोर्स लगाना होगा, उसके लिए करना होता है वर्क। तो यहाँ से बॉल यहाँ पर पहुंच जाएगी, ये लो यहाँ से यहाँ पर, तो हम इसको फोर्स लगाया, जब फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क होगा। और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी और यहाँ पर मोशन हो जाएगा। अब ऐसा नहीं इसका मास बढ़ गया। ऑलवेज रिमेम्बर, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन मास एनर्जी नहीं होता है। हाँ, एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए कई बार मास की जरूरत होती है और कई बार नहीं भी होती, लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर मास एनर्जी नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, मान लो किसी ने लड़ाई हो रही है, अब उसने एक दूसरे पर चपत लगा दी है, तो वहां पर मास नहीं आता, केवल एनर्जी ट्रांसफर करते हैं हम फोर्स लगा करके, वर्क करके। तब आपको याद रखना कि एनर्जी मास नहीं होती है। और एनर्जी को अगर बात करते हैं तो ऐसा मान लेते हैं ये किसी भी काम के करने की कैपेसिटी होती है, और एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। तो तरीके हैं, जैसे मान लो अगर बात करते हैं वर्क की बात करते हैं, हमको फोर्स लगाना होता है और एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, या फिर हीट की बात करते हैं तो वर्क और हीट दोनों ही एनर्जी को ट्रांसफर करने के तरीके हैं। जैसे एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं ये कोई रोड है, अब इस रोड को हमने यहाँ से हीट किया, तो जब यहाँ से हीट किया तो यहाँ पर भी हीट हो रही है, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ जा नहीं रहा लेकिन फिर भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो वर्क और हीट दोनों ही एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी नहीं है। और बेसिकली एनर्जी का अपना कोई रूप नहीं होता है, कोई तरीका नहीं होता, बस हमने क्या तरीका बना लिया, नाम दे दिया। जब हमने हीट दी एनर्जी ट्रांसफर हुई, वर्क किया एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो एनर्जी का मास नहीं होता, एनर्जी मास से इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन कई बार दो बॉडीज के बीच में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तब मास की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, ये बात अलग है कि मास को भी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसा कि न्यूक्लियर एनर्जी, यहाँ पर मास ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तब वहां पर मास नहीं बचता। तब आपको याद रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि मास एनर्जी नहीं है, कन्वर्ट कर सकते हैं, और एनर्जी का कोई रूप भी नहीं होता, बस तरीके के हिसाब से। मान लो केमिकल से एनर्जी निकलती है, एनर्जी का कोई रूप नहीं होता, बस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी से मोशन कर रही है, रुकी हुई है पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन में केमिकल एनर्जी, साउंड में साउंड एनर्जी। लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर, एनर्जी का कोई भी रूप नहीं होता है, ना ही उसका कोई मास होता है, बेसिकली कैपेसिटी है, ये कंसेप्ट है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो एनर्जी क्या होती है। थैंक यू।